मुख्तार अब्बास नकवी एक बार फिर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने में सफल रहे। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के लिए तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने का श्रेय इनको जाता है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने मंत्रालय की प्राथमिकताओं को गिनाने के साथ देश भर में विश्वास कार्यक्रम करने की जानकारी दी। हमारे साथ मुख्तार अब्बास नकवी हैं, जो मोदी कैबिनेट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। सर, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आप कैबिनेट मंत्री बन गए। बहुत शुक्रिया सर। ये मंत्रालय आपके लिए नया नहीं है, पिछले 5 साल आपने बखूबी तमाम योजनाओं के माध्यम से जनता तक, अल्पसंख्यक समाज तक लोगों को ये पहुंचाया। किस तरह की चुनौती अब आप मानते हैं? देखिए, हम मानते हैं कि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के सरोकार को लेकर के, उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर के और उनके सशक्तिकरण को लेकर के काम किया गया। अब जो 2019 में पारी शुरू हुई है, हम उसको मानते हैं फिर से नई पारी है। अभी जो काम पिछड़े हुए हैं उनको भी ठीक पूरा करना है और साथ ही साथ आने वाले दिनों में लोगों में जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमें हासिल करना है। सर, पिछले कार्यकाल को अगर हम याद करें तो नई मंजिल, उड़ान और तमाम इस तरह की उस्ताद योजना जो लोगों तक पहुँची, बड़ी कारगर रही। 19 में किस तरह से आप और योजनाओं के माध्यम से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं? देखिए, हमारा सबसे फोकस होगा एजुकेशन पे। अगर आप एक चीज़ देखें तो हमने जो पिछला 5 साल था उसमें लड़कियों का ड्रॉपआउट रेट कम करने में कामयाबी हासिल की। जब हम सरकार में आए थे तो 72-73% था, वो लगभग 30-40 के बीच में, 35-40 के बीच में रह गया, जो हम जीरो करेंगे 24 तक। सर, चूंकि आप अल्पसंख्यक मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अल्पसंख्यकों को लेकर के शपथ के पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि हमें इनका विश्वास जीतना है, क्योंकि आप हेड कर रहे हैं इसको, किस तरह से इसको आप फलीभूत करें? देखिए, हम अवेयरनेस के माध्यम से जो सरकार की योजनाएँ हैं उसके बारे में, उनकी जानकारी के माध्यम से, और साथ ही साथ क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विकास का मसौदा है वो वोट का सौदा नहीं है, कभी भी नहीं था, लेकिन उनका कहना है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में कोई भी समाज का हिस्सा प्रगति की मुख्य धारा से या विकास की रोशनी से अछूता न रहे, और इसलिए उसको लेकर हमें काम करना है और उसको हम लेकर काम करेंगे, और आपको ये काम ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल के अंदर दिखाई देने लगेगा। चूँकि सर, ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेके सरकार लगातार सक्रिय रही है, अब आपकी सरकार और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर होकर के आई है, क्या ख्याल है? देखिए, ट्रिपल तलाक एक सामाजिक कुरीति है, कुप्रथा है, उसका खात्मा होना चाहिए, और कई इस्लामिक देशों ने, बल्कि ज़्यादातर इस्लामिक देशों ने ट्रिपल तलाक को बंद किया है, ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित किया हुआ है, लोकसभा ने किया है, राज्यसभा में अटका हुआ है, मुझे उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बार पास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंत्री जी का साफ मानना है कि पिछले कार्यकाल में तमाम योजनाओं के माध्यम से जिस तरीके से कारगर तरीके से ज़मीन पर योजनाएं पहुंची हैं और अल्पसंख्यक समुदाय का विकास हुआ है, इस बार भी उससे तेज़ गति से तमाम योजनाओं को ज़मीन पर लागू किया जाएगा। कैमरामैन जुनैद इकबाल खान के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।